हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और पेन के बीच का डिफरेंस। दोनों का मतलब दर्द है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, किसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है या ऐसे कॉन्सेप्ट जिनमें कन्फ्यूजन रहता है यूजुअली, उनको हम इस अपने चैनल पर दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अब हम बात करते हैं एक और पेन के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले हम ले रहे हैं एक। एक का मतलब कोई कई बार इसको एक बोलता है, एक नहीं है, एक है, हेडेक। एक एक का मतलब है टू फील अ कंटिन्यूअस पेन दैट इज नॉट सीवियर। तो यहाँ क्या लगेगा, एक ही बात लगेगी, पेन और एक लगभग एक ही बात है, लेकिन एक क्या है, ऐसा दर्द जो लगातार है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत तेज नहीं है, जिसको आप सहन कर सकते हैं लेकिन फील हो रहा है वो आपको, उसको हम कहते हैं एक। जैसे टूथेक हो जाता है, हल्का सा, पूरी रात कई बार आदमी परेशान रहता है, हल्का रहता है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल परेशानी हो गई लेकिन दर्द भी है, नॉर्मल भी नहीं रहता है, इसको कहते हैं हम एक। तो एक के बाद दूसरा इसका मीनिंग है, दूसरी जगह भी एक ही वर्ड कई कई रेफरेंसेज में यूज होता है। एक का मतलब होता है इच्छा भी होती है, टू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समबडी समथिंग और टू डू समथिंग, किसी इंसान से मिलने की या किसी चीज को पाने की इच्छा, उसके लिए भी आप एक वर्ड का यूज कर सकते हैं। आई वॉज एकिंग टू मीट माई फ्रेंड, मेरी अपने दोस्त से मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, ऐसी तीव्र इच्छा मेरे अंदर थी। इस तरह से एक के आप दो यूज हुए, एक तो आपका दर्द, दूसरा मतलब हुआ इच्छा कुछ करने की, किसी से मिलने की। अब बात करते हैं हम पेन की। पेन का मतलब द फीलिंग्स दैट यू हैव इन योर बॉडी व्हेन यू हैव बीन हर्ट और व्हेन यू आर इल। ऐसी फीलिंग जब आप बीमार हैं, आपको चोट लग गई है, तेज दर्द जिसको हम कहते हैं, तब होता है ये पेन। ही क्राइड इन पेन व्हेन ही फेल टू हिज नीज, वो गिरा तो पेन से कराहा या चिल्लाया। इस तरह से आपका पेन सीवियर है और एक माइल्ड है, यानी कि एक हम तब यूज करते हैं जब वो हल्का होता है, पेन जब ज्यादा होता है। पेन के अलग अलग मीनिंग है, ये सभी जो मीनिंग है ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी जिस तरह से बताती है उनके हिसाब से मैं शेयर करता हूँ। मेंटल और इमोशनल डिफिकल्टी में भी आप पेन वर्ड का यूज कर सकते, एक का नहीं कर सकते। जैसे कोरोना विल गिव ए पेन ऑफ जॉब लॉस टू मैनी पीपल, अभी कोरोना चल रहा है तो बहुत सारे लोगों की जॉब जा सकती है, तो एक पेन देगा। यू कैन नॉट यूज एक इन दिस सेंस, पेन ही आप यूज करेंगे। तो ये दूसरा यूज हो गया हमारा पेन वर्ड का। इसके बाद एक लास्ट यूज और है पेन का, जहां पर मैं ए पर्सन और थिंग दैट इज वेरी अनोइंग, ऐसा इंसान या ऐसी कोई चीज जो बहुत परेशान करने वाली होती है, वहां पर भी आप पेन यूज करते हैं। नोबडी लाइक्स ए पर्सन हु गिव्स पेन्स, जो परेशान करता है, जो अनोय करता है, उसको कोई पसंद नहीं करता। इस तरह से हम पेन को इस सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। आई होप यू मस्ट हैव गॉट द डिफरेंस जो एक और पेन के बीच में है, एंड नाउ ऑनवर्ड्स यू विल यूज दिस वर्ड इन द करेक्ट रेफरेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।